बंधुगण, एक निरंकुश सरकार अपने ही नागरिकों का जनसंहार कर रही थी। उनकी भाषा, उनकी आवाज, उनकी पहचान को कुचल रही थी। ऑपरेशन सर्च लाइट की उस क्रूरता को, दमन और अत्याचार के बारे में विश्व में उतनी चर्चा नहीं की है जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। बंधुगण, इन सबके बीच यहां के लोगों और हम भारतीयों के लिए आशा की किरण थे बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान। बंगबंधु के हौसले ने, उनके नेतृत्व ने यह तय कर दिया था कि कोई भी ताकत बांग्लादेश को गुलाम नहीं रख सकती। बंगबंधु ने ऐलान किया था, एबारेर संग्राम आमादेर मुक्तिर संग्राम, एबारेर संग्राम स्वाधीनोतार संग्राम। इस बार संग्राम मुक्ति के लिए है, इस बार संग्राम आजादी के लिए है। उनके नेतृत्व में यहां के सामान्य मानवी, पुरुष हो या स्त्री हो, किसान, नौजवान, शिक्षक, कामगार, सब एक साथ आकर मुक्ति वाहिनी बन गए। और इसलिए आज का यह अवसर मुजिब वर्ष है। बंगबंधु के विजन, उनके आदर्शों, उनके साहस को याद करने का भी दिन है। ये समय चिरो विद्रोही को, मुक्ति युद्धों की भावना को फिर से याद करने का समय है।